स्टूडेंट्स, सो आज हमारा जो फर्स्ट यूनिट थी उसका हमने फर्स्ट को टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसका सेकंड टॉपिक के बारे में जानेंगे। सेकंड टॉपिक जो है हमारा, मैं आपको बता दूं, वो है हिस्टोरियोग्राफी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज, इतिहास लेखन में विभिन्न दृष्टिकोण, जो इतिहास लेखन है उसके विभिन्न दृष्टिकोण, ये हमारा टॉपिक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एंशेंट इंडियन हिस्ट्री राइटिंग एंड अप्रोचेज, कि उसका लेखन क्या है और उसके दृष्टिकोण क्या है। तो इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इतिहास क्या है और इतिहास लेखन कैसे होता है एंड उसके विभिन्न दृष्टिकोण। तो इतिहास क्या है? इतिहास एक विज्ञान भी है और कला भी है, साइंस एंड आर्ट दोनों है इतिहास। इतिहास के प्रकाश, जो वर्तमान का प्रकाश है उसके उसको जानकर अतीत का अध्ययन करता है एंड समकालीन विचारधाराओं के माध्यम से, और जो उस समय की जो विचारधाराएं हैं उसके माध्यम से हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। सेकंड आता है हमारा इतिहास लेखन कैसे होता है। तो उसमें का इतिहास लेखन जो है वो सीमित क्षेत्र के आधार पर वर्तमान के प्रकाश और अतीत का अध्ययन, सीमित क्षेत्र में हम उसका अध्ययन करेंगे और वर्तमान पर प्रकाश डालते हुए अतीत का अध्ययन करेंगे। स्रोत जैसे इसके हैं वस्तुनिष्ठ व्याख्या, जो अलग अलग हो सकती हैं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक। हम किसी भी क्षेत्र में इस इतिहास का लेखन कर सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी कर सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी कर सकते हैं, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में भी हम उसका इतिहास लेखन कर सकते हैं। तो विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हमारे दृष्टिकोण होते हैं, अप्रोचेज कौन कौन सी होती हैं? औपनिवेशिक दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और नवीन दृष्टिकोण, ये हमारी अप्रोचेज हैं, ये हमारे दृष्टिकोण हैं इतिहास के, इतिहास लेखन के। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, जो दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सदियों से इतिहास लेखन को महत्व नहीं दिया गया। सभी सभ्यताएं जो हैं प्राचीन सभ्यताएं, उनमें भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सदियों से इतिहास लेखन को महत्व नहीं दिया गया, यहाँ पे इतिहास लेखन को महत्व नहीं दिया गया है। यह आज तक नहीं समझा जा सका कि ईसा से कई सौ वर्ष पहले धर्म, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, राजनीति, संगीत, वास्तुकला और अन्य जो अनेक विद्याओं की गहरी जानकारी रखने वाले जो भारत के ऋषि और विद्वान थे, उन्होंने इतिहास के लेखन को महत्व क्यों नहीं दिया? ये हम, मतलब इनके बारे में हम नहीं जान सके हैं कि इन्होंने इतिहास लेखन को महत्व क्यों नहीं दिया। वेद, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र जैसे जो धार्मिक पौराणिक गाथाएं हैं, उनका उद्देश्य सत असत के विवेक को बढ़ाना होता है, जबकि जो इतिहास है वो घटनाक्रमों का तथ्य पर लेखा जोखा है। जो घटनाक्रम होते हैं, जो घटनाएं घटित होती है, उनके जो तथ्य होते हैं उन पर लेखा जोखा है, उन पर लिखी गई एक, मतलब उन पर लिखा गया जो है, जो लिखी हुई चीज़ें हैं उस, वो है इतिहास। तो काल निर्धारण जो है, जो समय को निर्धारित करता है, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी समस्या रही है, क्योंकि भारतीय इतिहास में हम टाइम का सही पता नहीं लगा सकते। जो भारतीय प्राचीन ग्रंथों को काफ़ी बाद में लिखा गया, प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ थे उनको काफ़ी लेट लिखा गया था, वे श्रुति से ही सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहे। मुख्य रूप से जो यूरोप में किसी भी प्राचीन ग्रंथ में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख हमें प्राप्ति नहीं होता, जो यूरोप से किसी भी प्राचीन ग्रंथ, जो भी प्राचीन ग्रंथ हमें मिले हैं उनसे हमें सिकंदर आक्रमण का उल्लेख नहीं मिला। यूरोप में सन 1450 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस की खोज से पहले ही कई देशों में लिखी गई जो सामग्री थी, पांडुलिपियाँ थी और पुस्तकें हमें मिली हैं जिनमें भारत के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसी पुस्तकों के लेखकों में प्रमुख रूप से जो शामिल है वो है, जो मतलब पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं उनमें जो कुछ लेखकों के नाम हमें मिले हैं, तो उनमें कौन कौन से लेखक हैं, वो है यूनानी लेखक हेरोडोटस, चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के विवरण, और लंका में जो उपलब्ध बौद्ध साहित्य था उसमें बुद्ध के निर्माण वर्ष से राजाओं की वंशावलियाँ, इसके काफ़ी बाद जो चीनी यात्रियों के भारत यात्रा के जो विवरण थे जैसे अलब्रूनी का किताब उल हिंद, ये सभी हमें प्राप्त हुए। भारत में 12वीं शताब्दी के पहले का
ऐसा कुछ भी विवरण हम लोगों को नहीं मिलता। भारत में इतिहास से संबंधित पहली संस्कृत पुस्तक जो है वो राजतरंगिणी है, जो सबसे पहली संस्कृत पुस्तक हमें इतिहास से संबंधित है जो वो राजतरंगिणी मिली है, जिसमें राजतरंगिणी में क्या है, इसमें कश्मीर के जो राजवंश थे उनका वृषवार विवरण किया गया है, सिक्वेंस से उनका उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। यह पुस्तक आचार्य कलहण ने लिखी थी, जो इसके राइटर थे, जो इसको लिखने वाले थे वो कलहण थे। सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको अभी तक पुरातत्व वेत्ता नहीं पढ़ पाए हैं वो, क्योंकि इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, तो इनको हम लोग नहीं, मतलब जो भी इतिहासकार पुरातत्व वेत्ता हैं जो शोध जिन्होंने किया है वो अभी कोई भी इनको इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। भारत में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के जो शिलालेख अब तक ज्ञात भारत के प्राचीनतम लेखन के जो उदाहरण हैं, जिन पर हमें लेखन लेख के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, प्राचीन लेखन के उदाहरण है अशोक के शिलालेख। इन शिलालेखों को लगभग 2300 वर्ष बाद सन 1840 के आसपास ही पढ़ा जा सका। इनके काल का जो निर्धारण है वो बाद में सिकंदर के आक्रमण और लंका में बौद्ध ग्रंथों से हुआ, और दूसरी ओर मुस्लिम शासकों में अपने राज्य का इतिहास लिखवाने की परंपरा रही। जो मुस्लिम शासक थे उनके राज्य में इतिहास लिखवाने की परंपरा थी, मुस्लिम शासकों को इतिहास लिखने में रुचि थी तो उन्होंने इतिहास लिखा अपने समय का, अपने कवियों से लिखवाया जो उनके दरबारी कवि थे, उनके दरबार में जो रहते थे। नवीनतम अनुसंधान जो नई शोध हुई है उसके अनुसार जो सरस्वती नदी है वो हिमालय से वर्तमान हरियाणा, जो अभी हरियाणा में है, राजस्थान तथा गुजरात होते हुए अरब सागर में मिलती है। सरस्वती नदी हिमालय से वर्तमान हरियाणा और राजस्थान तथा गुजरात होते हुए अरब सागर में मिलती है। इस नदी के आसपास जो मानव सभ्यता विकसित हुई, जिसका विस्तार पश्चिम में सिंधु घाटी तक था, पुरातत्व वेत्ता जो हैं अब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो ईसा पूर्व लगभग 1900 वर्ष पहले सरस्वती नदी की दो जो प्रमुख सहायक नदियाँ थीं, यमुना और सतलुज, क्रमशः गंगा तथा सिंधु घाटी से जा मिली। जो प्रमुख नदियां थी ना दो, यमुना और सतलज, वो जो है गंगा और सिंधु नदी घाटी से जा मिली, इस जिसके कारण सरस्वती नदी अपना मार्ग कई बार बदलने के बाद सूख गई। जब उसने कई बार अपना मार्ग इधर उधर किया तो सरस्वती नदी सूख गई। इस कारण जो सरस्वती और सिंधु नदी के बीच की जो मानव बसाहट गंगा की ओर स्थानांतरित हो गई, जो वहाँ पे लोग रहते थे वो गंगा की ओर जा बसे। सिंधु घाटी में जो प्राप्त मोहरे हैं उन पर अंकित लिपि को हम नहीं पढ़ सकने के कारण यह सभ्यता अभी भी रहस्य बनी हुई है। थोड़ा काफ़ी चीज़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है, कुछ जानकारी अभी भी ऐसी है जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं जान पाए, क्योंकि जो इसकी लिपि थी उस चित्रात्मक लिपि थी और जो वहाँ से कुछ लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ वो अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट आज हमने इतिहास लेखन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, कैसे कैसे हम किन तथ्यों से इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अप्रोचेस जो हैं हमारे, विभिन्न दृष्टिकोण जो हैं उनके बारे में बताऊंगी कि क्या होते हैं इतिहास लेखन में दृष्टिकोण। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।